हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये डिफरेंस भी एमकॉम लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा ये बहुत जगह जगह पूछा जाता है, बिजनेस से रिलेटेड बहुत जगह देखा गया है क्वेश्चन। डन, तो स्टार्ट करते हैं इसके बीच में डिफरेंस, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझाओ या डिविजनल स्ट्रक्चर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। डन, तो दोनों ही केस के लिए हमारे क्वेश्चन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो या तो एक तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आप किसी इन डिफरेंस के मदद से ना इसकी हेल्प से आप कर सकते हो, आप पर्टिकुलर के ऊपर अगर नोट लिखने के लिए भी आते हैं तो भी आप वो लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर की मीनिंग। देखो मीनिंग आपके सामने क्या लिखी हुई है, ये कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर bifurcated अकॉर्डिंग टू their फंक्शनल areas। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन स्ट्रक्चर में फंक्शन स्ट्रक्चर इज वन इन विच, जिसमें जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो होते हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप bifurcate कर देते हो, विभाजित कर देते हो, ठीक है, तोड़ देते हो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू their फंक्शनल areas, यानी फंक्शनल एरियाज के अकॉर्डिंग उनकी जो रिलेशनशिप्स है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है, उनको तो आप बाइफर्केट कर देते हो किसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को बाइफर्केट कर देते हो, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शनल एरिया, उनके एरिया के अकॉर्डिंग। डन, यहाँ पे बात करते हैं डिविजनल की, तो डिविजनल में क्या हुआ, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है उनको क्लासीफाइड किया, यानी क्लासिक दिखाया जाता है, शो किया जाता है, क्लासीफाइड इनटू डिवीजन, उनको डिवीजन फॉर्म में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, डिवीजन, अब कैसे, जैसे हम कहते हैं ना प्रोडक्ट डिवीजन, ये डिवीजन, वो डिवीजन, तो इस तरह से एज पर प्रोडक्ट या सर्विस लाइन्स या मार्केट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या बोला, देखो डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को क्लासिफाई करते हो एज अ डिविजन, ठीक है, एज पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेस पे कर सकते हो, सर्विस लाइंस हो गया, मार्केट हो गया, डन, इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहले वाले में क्या बोला कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसको बाइफर्केट करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एरिया। तो इसमें बोला है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को क्लासिफाई करना है डिविजन में, किसमें क्लासिफाई करना है, डिविजन में क्लासिफाई करना है, एज अ प्रोडक्ट सर्विस लाइंस मार्केट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई, उसके बाद आता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फंक्शन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर, ये सुटेबल किसके लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि ऑपरेट है, ये चल रही है, ठीक है, यह चलाई जाएगी किसमें, इन अ सिंगल लोकेशन। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, फंक्शनल स्ट्रक्चर उन टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से सुटेबल है जो कि ऑपरेट होगी सिंगल लोकेशन में विद अ सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी, और उसमें प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी ही होनी चाहिए, यानी लोकेशन भी एक और एक सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी होनी चाहिए उससे रिलेटेड, यानी एक से ज्यादा में आप डील नहीं कर पाओगे। डन, यानी एक ही टाइप की प्रोडक्ट कैटेगरी होनी चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें नहीं हो सकती है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट है उन कंपनीज के लिए जहाँ पे है मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरीज था, यहाँ पे क्या मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज था, इनके बेस पे भी डिफरेंस अलग से कर सकते हो, एंड इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ लोकेशन, और ये कितने सारे लोकेशन हो सकता है। डन, यहाँ पे हमने बोला सुटेबल है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल है जो कि ऑपरेट करते सिंगल लोकेशन है, ये मल्टीपल लोकेशन की बात कर रहा है, इसमें आप सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करोगे विद सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, यार यहाँ पे क्या होगी मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज होगी। तो दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं, तीसरे डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि स्मॉल लेवल पे काम करती है उसके लिए ज़्यादा अच्छी, कौन सी, फंक्शनल स्ट्रक्चर, अभी दूसरे पॉइंट में पढ़ाता हूँ मैं, स्मॉल लेवल के लिए जो एक ही लोकेशन में काम कर रही है, सिंपल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के लिए फंक्शन सही है। और ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल, जो कि चेंजेबल हो, ठीक है, क्यों जो क्यों चेंजेबल हो, तो सही कर देता हूँ, डायनेमिक मतलब चेंजेबल। डन, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, ये किसके लिए, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे कॉस्ट जो है आपका क्या लगेगा, कम लगेगा, इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पे कम लगेगा, ठीक है,
एज द फंक्शंस आर नॉट रिपीटेड, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस रिपीट नहीं होते हैं, यहाँ पे फंक्शंस रिपीट नहीं होते। बट अगर हम डिविजनल की डिविजन की अगर बात करें, डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन होती है, रिसोर्सेज की क्या होती है, रिपीटेशन होती रहती है, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव है, ये वाला आपका इकोनॉमिकल है। उसके बाद ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन की अगर बात करें, तो मैनेजर्स डू नॉट हैव ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन, ठीक है, कि मैनेजर्स को यहाँ पे क्या स्वतंत्रता नहीं दी गई है डिसीजन लेने की, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिमिटेड है, एक तरीके से लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई है। क्या दी गई है? लिमिटेड। अगर ये वर्ड भी लिखा हुआ था कि लिमिटेड दी गई थी, हाँ बिल्कुल लिमिटेड है, यहाँ पे मैनेजर्स को लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई है। और यहाँ पे एक बात और समझिए कि क्यों दी है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस है, मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस, बट जो जाते हैं जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ऑलरेडी ले लेता है। तो जब टॉप मैनेजमेंट ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ डिसीजन ले लेता है, तो यहाँ पे मैनेजर को डिसीजन लेने की जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो नहीं दी गई है, बहुत लिमिटेड तरीके से है, पहले कहीं पे देते डन, बट यहाँ पे मैनेजर को है, मैनेजर है ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन, ठीक है, कि जहां जहां सिग्निफिकेंट एरियाज के टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं सीधे सीधे अपने डिसीजन ले सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं डिफिकल्ट टू फिक्स, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, नहीं हो पाती है, ठीक है, इतनी आसानी से फिक्स, और यहाँ पे इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या है, डिफिकल्ट है, यहाँ पे क्या इजी है। तो ये आपके सारे डिफरेंस खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट डिफरेंस के साथ, डन, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई पॉइंट अगर आपको कठिन लगता है या दिक्कत आती है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पॉइंट को दोबारा से एक बार आपको समझा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।